हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार, मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जेई के मेंस में और एडवांस में अभी तक जो पूछे जा गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस में मैं बताऊँगा कि इससे कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस जो है वह जेई में पूछे जाते हैं, उसको आप अच्छे से उसको रिवीजन कर लेंगे, बनाते जाएंगे उस टाइप के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो वो आपके लिए अच्छे होते चले जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ वो आ गया और फिर वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स में, चाहे वो क्वेश्चंस को मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स के मैक्सिमम और मिनिमा को जोड़ करके हम लोग देखें, या आइडेंटिटीज़ को जोड़ के देखें, ऐड करके देखें, या आप उसके एंगल्स फाइंड करना है तो आप उसको देख सकते हैं। तो इससे जब हम इसको ऐसा करते हैं कि किसी ट्रिग्नोमेट्री को हम सीक्वेंस एंड सीरीज से ऐड करके भी सॉल्व कर मतलब प्रॉब्लम को देख सकते हैं, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के को हम लोग जो है एपी से रिलेटेड जोड़ करके सीक्वेंस में देख सकते हैं, तो इससे कई सारे क्वेश्चंस जो है वह बनता है और उसे हमें समझने और उसको करके उसे प्रैक्टिस करने के कि इस तरह के क्वेश्चंस हमारा किस तरह से सॉल्व किया जाता है उस पर हमें कमांड करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये टॉपिक मैं थोड़ा सा बड़ा ले जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं चाहता हूँ कि आप हर तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा उसको ज़रूर पूछें, समझें, जानें, और उसके बाद ही हम लोग इस टॉपिक को एंड करेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए मेरा मानना है कि एक तरह का सीरीज़ है यह, और इस सीरीज़ से हम लोग को जो मानना है कि हम बेहतर परफॉर्मर करें, इसलिए आप इस सीरीज़ को अच्छे तरह से जब आप देखेंगे किसी भी पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, तो एक एक क्वेश्चंस हर एक टाइप के आपको इस वीडियोस में जो लगातार मैंने 10-12 जो वीडियो सीरीज चलाई है ट्रिग्नोमेट्रिक के, उसमें आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा कि क्वेश्चन ये कहता है कि क्वेश्चन सेज डैट प्रूव डैट सेक साइन थीटा इंटू सेक 3 थीटा प्लस सेक स्क्वायर 3 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 3 थीटा इंटू सेक स्क्वायर 3 थीटा सेक क्यू, ओके, सेक क्यू 3 थीटा, राइट। प्लस यहाँ पर आप ये आपका एंडिंग पॉइंट है, इसको आप समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक तरह का ये सीरीज में है, क्योंकि साइन थीटा सेक थीटा सेक स्क्वायर बढ़ रहा है और इसके साथ साथ साइन स्क्वायर भी बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर साइन थीटा देखा, सेक 3 थीटा देखा, सेक स्क्वायर 3 थीटा देख रहे हैं, अब ये साइन 3 थीटा आ गया, फिर साइन स्क्वायर 3 थीटा देखिए बढ़ा, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर क्यू थीटा, मतलब एक सीक्वेंस में जो है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको ज़रा देख लें कि ये कैसे जो है वह आपका सीरीज में बढ़ता है। तो आपने क्या देखा, साइन थीटा साइन 3 थीटा, तो इस तरह की सीरीज है। तो हम लोग को इसमें दिखाना है, प्रूफ करना है कि ये आपका इसमें ये हमें प्रूफ करना है इज इक्वल्स टू टैन, ये प्रूफ करना है कि टैन 1/2 टैन 3n थीटा माइनस 10 थीटा। इसमें हमें ये दिखाना है कि टेन हाफ टेन 3n θ माइनस 10 थीटा के रूप में हमें ये प्रूफ करना है। तो हमें ये सीक्वेंस टाइप का एक तरह का दिख रहा है, एक तरह की ये क्या आ रही है, सीक्वेंस, क्योंकि ये एक एक सीरीज जो है वह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग ज़रा LHS से इसको देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। फ्रॉम LHS यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू सेक
थ्री थीटा प्लस साइन थ्री थीटा इंटू सेक स्क्वायर थ्री थीटा प्लस साइन स्क्वायर थ्री थीटा इंटू सेक स्क्वायर क्यू थीटा थ्री थीटा। ठीक है, ये एक सीरीज में था। अब आप देख सकते हैं अगर मैं सीक्वेंस बनाऊं उसका तो कैसा बनाऊंगा, एक ये हो रहा है फिर एक, तो n माइनस मैं लिख सकता हूँ साइन का पावर, यहाँ से लिख सकता हूँ समेशन ऑफ साइन थ्री टू दी पावर r माइनस वन। जैसे यहाँ एक हुआ, यहाँ पर टू हुआ, मोर देन ग्रेटर r इज़ ग्रेटर देन वन, तो टू टू माइनस वन वन, फिर थ्री अगर रखेंगे तो यहाँ पर तो थ्री हो जाएगा, तो यहाँ पर थ्री रखेंगे ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्क्वायर, और ये आपका आएगा थीटा इंटू सेक सेक थ्री टू दी पावर आर थीटा। ये इस फॉर्म में हमारा ये आ गया राइट, इस फॉर्म में ही हमारा आएगा जहाँ पर आर इज इक्वल्स टू वन टू एन होगा। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आर इज इक्वल्स टू एन, इस टर्म में हमने लिखा है इसको ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको एक सीरीज मिलेगी है ना, तो आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, सबसे पहले आप इसको ब्रेक कर सकते हो राइट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, समेशन यहाँ से आपको मिलेगा समेशन r इज इक्वल्स टू वन टू n, और ये साइन थ्री टू दी पावर आर माइनस वन है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको कॉस, इसको मैं ब्रेक करूँ दोनों तरफ अगर कॉस थ्री टू पावर कॉस थ्री आर माइनस वन इन थीटा इंटू साइन ठीक है आर माइनस वन, तो ये आपका हो जाएगा आर माइनस वन थीटा, ये ले आए अब ये क्या होगा, तो ये हमें क्या दिखेगा, मैंने तो इसको तो ब्रेक कर दिया ठीक है। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टू कॉस थ्री आर माइनस वन थीटा इंटू वन अपॉन, इसको तोड़ेंगे तो कॉस थ्री टू दी पावर आर थीटा ठीक है, ये इस तरह से हम ले आए। अब समझिए हमने क्या किया कि कॉस थ्री टू दी पावर आर माइनस वन थीटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, और साइन थीटा आर माइनस वन थीटा था इसको ब्रेक कर देंगे कॉस थ्री थीटा कॉस थ्री आर थीटा, ये हमारा निकल के आ गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से अगर टू से मल्टीप्लाई कर दिए और टू से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से टू से मल्टीप्लाई किए और टू से डिवाइड किए ठीक है, टू से मल्टीप्लाई किए और टू से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, वन बाई टू समेशन आर इज इक्वल्स टू वन टू एन, और इसको आप लिख सकते हैं साइन टू इंटू थ्री टू दी पावर आर माइनस वन थीटा अपॉन, ये आपका आ गया, ये आ जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे इसको, यहाँ से आप लिखेंगे कॉस थ्री टू दी पावर आर माइनस वन थीटा इंटू कॉस थ्री आर पर पावर थीटा, ये आएगा ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, वन बाई टू समेशन राइट, वन बाई टू समेशन। अब चूंकि ये साइन के टर्म में है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अरेंज करके साइन थ्री टू दी पावर आर थीटा
माइनस, इसको लिख सकते हैं 3r-1 थीटा अपॉन, इसको लिख सकते हैं कॉस 3r-1 थीटा माइनस कॉस 3r θ, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते क्या हैं, 1/2 समेशन साइन 3r θ इंटू कॉस 3r-1 θ माइनस कॉस 3r θ इंटू साइन 3r-1 θ अपॉन, यहाँ से लिख सकते हैं कॉस 3r-1 θ इंटू कॉस 3r θ, ये आ गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ से ये पूरा सॉल्यूशन हमारा ये आया। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक तो हमारा आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ये हमारा 1/2 ही रहेगा, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कॉस, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं टेन समेशन टेन 3r θ-tan 3r-1 θ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ये आ गया। तो हम लोग लिखेंगे 1/2 टेन 3r θ-tan θ। तो ये सॉल्यूशन हमारा निकल के आएगा। तो इसमें क्या था कि हमने टोटली क्या करी, सीरीज बनाई साइन थीटा डॉट सेक थीटा प्लस साइन 3θ इंटू सेक स्क्वायर 3θ प्लस साइन स्क्वायर 3θ, और ये था हमारा सेक स्क्वायर 3θ में। तो हमने क्या किया कि इसको हमने ब्रेक करी। ठीक है, साइन सेक स्क्वायर पहले तो मैंने अरेंज कर दिया, अरेंज करने के बाद मैंने इसको साइन सेक को कॉस में कन्वर्ट करी, और इसके बाद उसको मैंने अरेंज किया इस तरह से इस समेशन में, और फिर इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से जो है हमारा सॉल्यूशन हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड करते हैं। अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो काफ़ी बार टाइम्स जो है वो पूछा गया है, पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, मेंस में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी ये क्वेश्चन जो मैंने आपको भी बताया वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, और हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ से करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए इफ़ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan² 5+1 दे रखा है, तो ये कहता है कि प्रूव कीजिए, प्रूव डैट cos 2θ इज इक्वल्स cos 2θ प्लस साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा है, इसी को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमें cos 2θ के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, और साइन स्क्वायर 5 है तो उसको तत्काल छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोगों को इससे काम चल जाएगा, इसी से काम चल जाएगा, ये बाद में इसका इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो प्रूफ लिखिए, यहाँ पर मैं यहाँ से LHS देख रहा हूँ। ठीक है, गिवन में पहले लिख लेता हूँ, गिवन इज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan² 5+1, और LHS अब देखता हूँ कि ये cos 2θ इज इक्वल्स टू, ये मैं लिख सकता हूँ cos थीटा को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, cos 2θ 1-tan²θ+1+tan²θ, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि tan² θ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये
लिख सकते हैं। तो यहीं से अब बात शुरू होती है सॉल्यूशन करने की। तो हम लोग जो है कॉस टू थीटा के बारे में हम लोग जानते हैं, तो LHS मेरा क्या था, कॉस टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो अब इसके जगह पे हम लोग ये डाल सकते हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे वन माइनस टू टेन स्क्वायर फाइव प्लस वन ये डाल सकता हूँ, प्लस वन प्लस टू टेन स्क्वायर फाइव प्लस वन है ना, प्लस साइन स्क्वायर फाइव ये लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और आप इसको जब ऐसे लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे, वन माइनस टू टेन स्क्वायर फाइव माइनस वन अपॉन वन, ये हो जाएगा आपका टू प्लस टू टेन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप लिखेंगे माइनस टू टेन स्क्वायर फाइव बाई टू कॉमा वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये आ गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इससे आप इसको कैंसिल कर देंगे, तो आएगा माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, हो गया। इसके रूप में हम लोग जान गए, यहाँ से तो हम लोग लिख सकते हैं, जो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे आप इसको, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से इसको आप ब्रेक कर दीजिए, तो आएगा आपका साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फाइव बाय सेक स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव और प्लस साइन स्क्वायर फाइव, तो ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज माइनस साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो समझ में आया कि हम लोगों ने कैसे किया, बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि टेन स्क्वायर थीटा को हमें टू टेन स्क्वायर फाइव प्लस वन पुट करने हैं। तो मैं क्या जानता हूँ कॉस टू थीटा के बारे में, तो हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जो स्टेटमेंट दे रखी है कि कॉस टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव, तो ऑलरेडी वी नो डैट कि कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो राइट नाउ द पुट द वैल्यू ऑफ cos 2 theta is an equation that should be 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta plus sin square phi, right? So if you have put that tan square theta is given, a statement is that, so tan square theta is equals to 2 sin 2 tan square phi plus 1. So now we will get 2 tan square phi plus 1 plus sin square phi upon 1 plus 2 tan square theta plus 1. So now 1 plus 1, 2, so there is 2 plus 2, 10 square 5, and upper in the numerator 1 minus 2, 2, 1 minus 2, 10 square 5 minus 1, so minus 1 and plus 1 have been cancelled. Now 2 10 square theta, and to take out the common, 2 is common, also 1 plus 10 square 5 is converted into the sec square 5. And 2 to cancel. Now again we convert into the transform at tan square phi is equals to cos square sin square phi into cos square phi. Then we will get here is a minus. So that is the answer is sin square minus sin square phi plus sin square phi is equals to 0. So this is the answer. Is it clear?
Now, second questions we have discussed that type. It's very important for all us. इस सब के लिए important है. आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, solve कर सकते हैं, prove कर सकते हैं. Okay, that's very important. Okay. Okay. So now this is very important questions for all us here. One, this is a proof that here question number third is so important. One plus cos 4x upon cot x minus tan x is equals to half of sin 4x, right? So what can I solve it? That equation is very important. So here it's very important question. Let us see how can I solve. So what does it mean? 1 plus cos 4x is equals to 2 sin 2 square x. Is it clear? So यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं. From LHS, 1 plus cos 4x upon cot x minus 10x, right? So what does it mean? So 1 plus cos 2x is equals to 2 sin square, 2 cos square x here. Okay, so if you have put 4x, so should I convert 2 cos square 2x, right? So put it here, and now it's solve. Cot x minus tan x is convert. Cot x is equals to cos x by sin x, and minus sin x by cos x. So it's convert into the cos square x minus sin square x upon sin x into cos x, right? So this is the so convert. So now it should use of this formula is also. So how? 1 plus cos 4x is what? 2 cos square 2x. Now put it here. So here 2 cos square 2x upon here again I convert into the sin x, so cos x by sin x minus sin x by cos x. So here 2 cos square 2x upon sin cos square x minus sin square x sin square x into sin x into cos x. Okay, so it's clear. So cos square x minus sin square x is equals to cos 2x. Is it clear? So here main isko aisa likh sakta hu ki ab kya aayega. 2 se maine yahan par put kari. अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली वी कन्वर्ट. सो अगेन मैं इसको कर सकता हूँ, एक तो कट जाएगा, राइट? सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर 2x इंटू cos 2 cos, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2x, ठीक है, cos 2x into sin x into cos x, right? तो एक तो हमारा ये कैंसिल हो गया, एक ही बचेगा ना. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग दिस इम्प्लाइज 2 cos 2x by into sin x into cos x. तो हम लोग यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये आ जाएगा cos 2x into sin 2x, ये आ जाएगा है ना, cos 2x into sin 2x। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 1 by 2 into 2 cos 2x into sin 2x कर दें, ये हो जाएगा 1 by 2 sin 4x, 1 by 2 sin 4x, this is the our solution, ये हमारा क्या बनेगा, solution बनेगा। आगे बात समझ में, कि 1 plus cos 4x upon cot x minus tan x and we convert into that 1 minus 1 upon 2 cos 1 upon 2 sin 4x, this is the our solution, okay? So here what will we get, it is very easy, 1 plus cos 4x convert into the 2 sin square 2x and again we have to transform cot x minus tan x convert into the cos x upon sin x minus sin x upon cos x, because cot x is equals to cos by sin x and here tan x is sin x by cos x, is it clear? So it is to convert into 2 cos square 2x upon cos square minus sin square 2x, what? So this is the formula or expansion of cos 2x, so cos 2x is equals to cos square x minus sin square x, so convert into that form cos 2x, so put it here, 2 cos square 2x upon cos 2x, convert it into sin x into cos x, so what should we get? So here convert into the cos 2x into sin x into cos x, so if you multiply 1 by 2 then we will get what we will get, so here convert into the 2 sin square 2x, so convert 1 by 2 sin 4x, this is the our solution, ये हमारा क्या बन जाएगा, solution बन जाएगा, okay, this is the our solution and if you we will get the sin 2x, okay, so here okay, so question number third here, now we will discuss question number 4 again, 4 is very important question, so what should we get, question says that okay, how can solve if you have to put their questions is very conditional identities, it is very important, so if you we will get how can I prove the statement is very important here, ye jo statement hai bahut hi important hai, aur then I have to solve this question number 4, it is very important, so question says that ki if your condition is that if tan theta by 2 is given root under a minus b upon a plus b is right into tan phi by 2 to prove that cos theta is equals to a cos phi plus b, right, here is a b plus a plus b cos phi, so how can I solve this type of question, it is very important, so what do you mean by cos theta, what is the value of cos theta, we convert into the form tan theta by 2, because here is given tan theta by 2, so we know that if you have cos 2 theta
कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू कॉस वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा. सो दिस इज व्हाट, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू एंड वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू. सो दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉस इन द सम मल्टीपल फॉर्म. कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू. सो वॉट शुड बी गेट, सो हियर LHS इज इक्वल्स टू, इट इज गिवेन स्टेटमेंट वी कैन यूज एट देम, tan tan theta by 2 is equals to root under a minus b upon a plus b tan phi by 2, right? So now we will use, so to prove a statement is cos theta is equals to a cos phi plus b a plus b cos phi, right? Good. So cos theta is 1 minus tan square theta by 2, 1 plus tan square theta by 2, this implies. अब tan theta by 2 के जगह पे आप इसको easily रख सकते हो, है? जब आप इसको easily रखोगे तो तुम्हें क्या मिल सकता है, क्या मिलेगा? तो हम लोग यहाँ पर बहुत आसानी से we use them, one minus ये put it here, root under square है, तो obviously यहाँ पर square है तो root को ख़त्म कर देगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, a minus b upon a plus b tan phi by 2, ये हमें मिला, ठीक, ये हमें मिल गया. अब अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ से आ गया, तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, वन प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन फाइव बाई टू, हो गया. यहाँ तक तो हम लोग निकाल लिए. अब हम लोग लेंगे एलसीएम लेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें सारा चीज़ लिख लिया है तो उसे मिटा सकते हैं, ठीक है. तो एलसीएम ले लीजिए, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी टेन फाइव बाई टू अपॉन ए प्लस बी अपॉन हियर ए प्लस बी माइनस प्लस ए माइनस बी टेन फाइव बाई टू अपॉन ए प्लस बी कैंसिल. सो व्हाट शुड वी गेट, सो हियर अब ये देखो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग टेन फाइव बाई टू दे रखा है, ये आप कैंसिल कर ही नहीं सकते हैं. आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका इसके साथ, ठीक. तो आप क्या देखेंगे, क्या मिला यहाँ से हमें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए माइनस ए टेन फाइव बाई टू प्लस बी माइनस माइनस प्लस बी टेन फाइव बाई टू अपॉन, यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस ए टेन फाइव बाई टू ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं b माइनस बी टेन फाइव बाई टू, ए कॉमन ले लिया, वन माइनस टेन फाइव बाई टू, ठीक है,
टेन फाइव बाई टू, बी कॉमन ले लिया, वन प्लस टेन फाइव बाई टू, ये आ गया वन प्लस टेन फाइव बाई टू, और यहाँ से ए कॉमन लिया, वन प्लस टेन फाइव बाई टू, बी कॉमन वन माइनस टेन फाइव बाई टू, ओके ये हमारा कन्वर्ट हो गया। तो आप एक किस फॉर्मेट में टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, वन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा के फॉर्म में ये गिवन है, तो मुझे इसे लिख सकता हूँ ए के फॉर्म में। अगर मुझे लिखना है तो ए कॉमन वन माइनस टेन फाइव बाई टू, वन प्लस टेन फाइव बाई टू, ये आ गया, प्लस बी, अगर हम सबको डिवाइड कर दिए तो मुझे ये मिला, तो यहाँ से क्या मिलेगा, बी, ठीक है, यहाँ से हमें ये मिला। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी वन माइनस अपॉन अपॉन ए प्लस बी वन माइनस टेन अल्फा बाई टू बाई वन प्लस टेन फाइव बाई टू, ये मिला। तो हमें यहाँ से क्या मिला, यहाँ से हमें क्या मिला, तो कॉस थीटा, हमें प्रूफ क्या करना था कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉस फाई, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ए कॉस फाई बोलते हैं प्लस बी, और इसको क्या बोलेंगे, बी प्लस ए प्लस बोलेंगे इसको, बी कॉस फाई, यही प्रूफ करना था जो हम लोगों ने कर लिया। सो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, तो हमारा ये क्या हो गया, साबित हो गया, प्रूफ हो गया। तो मैं आपसे बात करता हूँ कि आज हम लोगों ने मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल्स के कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं, जिसमें एपी से रिलेटेड, सीक्वेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, फिर उसके मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि हम लोग सीक्वेंस में कैसे देखते हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में इसके ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, उसको हम लोग यूज़ करके मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल्स के एंगल्स कैसे और निकालेंगे, जैसे जब हम लोग साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा, इस तरह के जो वैल्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।